नमस्कार दोस्तों, पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आटे से ऐसा नाश्ता जो कि 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, हमने 1 कप ये आटा लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक घोल बनाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। हमें इस तरह का घोल चाहिए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, हमने इसमें 1 चम्मच घी लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। इसको चटकने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 प्याज है कटी हुई, इसको भी भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक ये हरी मिर्च कटी हुई और इसमें एक डाल देंगे ये 1 टमाटर कटा हुआ, इसको भी हम थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। देखिए ये सब्जियाँ हमने इस तरह फ्राई कर ली हैं, बस हमको इतनी चाहिए। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम ये जो हमने सब्जियां ये फ्राई किया है टमाटर और प्याज, इसको डाल देते हैं इसी में। अब इसमें हम डाल देंगे खूब सारा धनिया, धनिया से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा तवा गरम कर लिया, इसमें लगा देते हैं घी और इसमें ये 1 चम्मच बैटर डाल देते हैं। इसको सिकने देते हैं। देखिए ये सिक गया है, इस तरह इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको पलट देते हैं। अब हम इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा घी, आप जो भी लगाना चाहें घी बटर ऑयल वो लगा दें, लेकिन ये देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसको अच्छे से सेकने दें, उसके बाद हम दूसरी साइड पलट के सेकेंगे। देखिए हमने इसको दोनों तरफ से उलट पलट के अच्छे से सेक लिया है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है ये नाश्ता, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये हमने एक सेक लिया है, बाकी हम बाद में सेकेंगे। गर्मा गर्म सर्व करें इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, आप जिससे खाना चाहें उससे सर्व करें इसको। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, बनाया ना मज़ेदार,
अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है वीडियो एंड तक देखने के लिए। थैंक्स।